सो गाइस, मैं कल टिकटॉक चला रहा था तो मैंने टिकटॉक पे एक बंदे की वीडियो देखी। तो उस बंदे ने अपनी वीडियो में स्मोक वाले इफेक्ट ऐड किए हुए थे बैकग्राउंड में, और सामने भी स्मोक वाले इफेक्ट ऐड किए हुए थे। तो उसकी वीडियो बहुत ही कमाल की लग रही थी और एकदम यूनिक लग रही थी। तो मैंने वहाँ पे वीडियो देखी तो उस वीडियोस पे लाइक्स भी उसके काफ़ी अच्छे थे और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे, और उस बंदे के फॉलोअर भी ठीक ठाक थे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि यार इस ट्यूटोरियल को, जो स्मोक वाले इफेक्ट है, वो अपने चैनल पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से जो सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं वो भी कि जो है टिकटॉक के क्रिएटर हैं, और उनको इस एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वीडियो में स्मोक वाले इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले अंश पंडित जो है वीडियो बनाते थे, तो उनमें मतलब वीडियो के बैकग्राउंड में वो जो है स्मोक वाले इफेक्ट देते थे, लेकिन वहाँ पे उससे भी अच्छे इफेक्ट ये बंदा देता है। तो इसके मतलब वीडियोस पे काफ़ी अच्छे लाइक्स आते हैं और व्यूज़ आते हैं। हालांकि ये बंदा फेमस नहीं है, लेकिन मुझे मतलब ये नहीं है कि फेमस हो उसी का मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल दूंगा। मुझे जिसका ट्यूटोरियल अच्छा लगता है मैं उसका देता हूँ। आज इस वीडियो में आप लोगों को उसी बंदे का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि उस बंदे ने अपनी जो है टिकटॉक वीडियो में स्मोक वाले इफेक्ट कैसे ऐड किए हैं और क्या क्या एडिटिंग की है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आपको स्मोक इफेक्ट ऐड करने के लिए अपनी वीडियो में आपको एक ब्लैक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पीछे साइड में ब्लैक स्क्रीन लगा देनी होगी, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ब्लैक स्क्रीन लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपने रियर कैमरे से आपको एक 15 या 20 सेकंड की इस वीडियो को जो है ब्लैक स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना होगा। मैंने यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन का काम कर लिया है। अब आपको चाहिए होगी ग्रीन स्क्रीन, तो आपको पीछे साइड में अपनी ग्रीन स्क्रीन लगा देनी होगी, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन। देख सकते हैं मैंने अपने बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगा ली है। इसके बाद आपको जो है अपना मतलब स्टाइल जो है कर लेना होगा और बाल सेट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक चश्मा है वो लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आपको एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाना होगा। तो आपको करना क्या होगा, आप जहाँ पे जिस सॉन्ग पे आपको एक्टिंग करना है या जो भी डांस वगैरह करना है, तो यहाँ पे आपको इस पोजीशन को लेनी होगी, और यहाँ पे आपको अपना टिकटॉक एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना होगा। तो मैं टिकटॉक वाला जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने टिकटॉक से जो सॉन्ग पे आप एक्टिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक लाइक किया है सॉन्ग को, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी बंदे का। तो इस बंदे की मतलब एक्टिंग करके आपको मैं यहाँ पे एडिटिंग सिखाऊंगा, और इसका जो है यहाँ पे लोगो पे मैं क्लिक करूँगा और यूज दिस साउंड पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे इसका जो है कैमरा चालू हो जाएगा। और आपको अपना मोबाइल जो है रोटेट करके रखना है, जैसा कि मैंने करके रखा है, तो इसी तरीके से आपको अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना होगा, और यहाँ पे आपका मतलब वीडियो रिकॉर्ड होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अपना लेंस वगैरह है वो साफ़ कर लेना होगा, तो मैं कपड़े से साफ, और यहाँ पे आपको इस तरीके से अपना चश्मा वगैरह लगा के एक्टिंग करना शुरू कर देना होगा। इसे टाइमर पे क्लिक करना होगा और स्टार्ट शूटिंग पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लाइटिंग का ध्यान रखना होगा और आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी होगी। अपना कोई दूसरा सेकंड फ़ोन में भी ऑडियो बजा के आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टिकटॉक को जो है टिकटॉक से किया है, तो टिकटॉक पे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बेकार हो जाती है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके इसे अपलोड कर देना होगा, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये वीडियो आपको जो है गैलरी में मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और आप टिकटॉक से भी विदाउट वाटरमार्क, जो टिकटॉक का वाटरमार्क आता है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे कि टिकटॉक के वीडियो विदाउट वाटरमार्क में कैसे डाउनलोड करें, तो उस तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी गैलरी में। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं काइनमास्टर को। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, 16:9 का रेशियो लेना होगा, और आपने जो ब्लैक स्क्रीन पहले वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो वीडियो यहाँ से आपको ले लेनी होगी। वीडियो को लेने के बाद यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो आपको जो है ख़त्म कर देना होगा इस तरीके से। वॉल्यूम को ख़त्म करने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा, और एक इस वीडियो की जो है स्मोक वाली वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ यहाँ पे फास्ट, क्योंकि वीडियो लंबी
भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ समझिए और देखिए। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस वीडियो जो स्मोक वाली वीडियो पे क्लिक करना होगा, नीचे साइड में आना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, यहाँ पे क्लिक करना होगा और स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस इफेक्ट, ये इफेक्ट वाले स्मोक वाले इफेक्ट आ चुके हैं। इसके बाद लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपने अपनी जो वीडियो को रिकॉर्ड किया था या जो टिकटॉक से डाउनलोड किया था वो यहाँ से आप ले लीजिए। इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको इसको जो प्रेस करके आगे बढ़ा लेना होगा और इसको रोटेट कर लेना होगा इस तरीके से। रोटेट में जाने के बाद यहाँ पे रोटेट कर लेना होगा और आपको इसके स्क्रीन के बराबर कर लेना होगा इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना होगा। यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। और दोस्तों आप वाटरमार्क जो आ रहा है, दोस्तों जो वाटरमार्क आ रहा है टिकटॉक का, तो मैंने यहाँ पे जो टिकटॉक एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं किया है वीडियो, तो आप जो है वाटरमार्क हटाने के लिए आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको यूट्यूब पे जो है ट्रिक मिल जाएंगी कि टिकटॉक वीडियो को जो है विदाउट वाटरमार्क में कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना होगा और इसको एडजस्ट कर लेना होगा इस तरीके से, जो कि आपकी एडजस्ट हो जाए वीडियो और वीडियो ख़राब ना हो इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर फिल्टर में जाके आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक कलर फिल्टर मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक वाइट कर लेना होगा, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जो आ रहा था वो हट गया है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा यहाँ पे इस तरीके से। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अभी और काम होना है इसका, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अपना टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और आपको जिस सॉन्ग पे वीडियो को अपलोड करना है उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना होगा और उसका म्यूजिक आपको ले लेना होगा और यूज दिस साउंड पर आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करना होगा और आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया वो यहाँ से आप ले लीजिए। वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर यह वीडियो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको ओरिजिनल साउंड ऑफ कर देना होगा और साउंड ट्रैक को आपको फुल ऑन कर लेना होगा इस तरीके से, बढ़ा लेना होगा और इसके बाद राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे इफेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा लीक वाला, तो आपको यहाँ पे आप ये वाला जो एक ऑप्शन है लीक वाला, तो लीक को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको एक लीक वाला ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेस करके रखना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट, सेव पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं इफेक्ट काफ़ी अच्छे आ चुके हैं लीक वाले और इसे आपको नेक्स्ट करके टिकटॉक पे अपलोड कर देना होगा, अपने हैशटैग वगैरह डाल के अपलोड कर दीजिए। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा स्मोक इफेक्ट वाला और हमारी वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ट्यूटोरियल पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो में और एडिटिंग में कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपका वहाँ पर हेल्प कर दूँगा और आपको तुरंत से रिप्लाई भी दे दूँगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।